तो गाइस आज से एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बिग एरोप्लेन चीट कोड की, एंड आप लोगों ने उस वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिया है, सच में बहुत ज्यादा प्यार। एंड गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, उस वीडियो के नीचे आप लोगों ने इतने ज्यादा कमेंट कर रखे हैं भाई हमें इसका चीट कोड बताइए, हम इसको कैसे फ्लाई कर सकते हैं। तो गाइस मुझे पता चल चुका है आप लोग जो है बिग एरोप्लेन को कैसे चला सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइज अब मैं आप लोगों को बता दूं आप लोग बिग एरोप्लेन को कैसे चला सकते हो, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर तो गाइज अब बात करते हैं आप लोग कैसे फ्लाई कर सकते हो बिग एरोप्लेन को। तो गाइज आप सभी को पता है अपने गेम को जो न्यू अपडेट आ चुका है, और भाई न्यू अपडेट में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिग एरोप्लेन के बारे में। तो गाइज बिग एरोप्लेन को चलाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना होगा एयरपोर्ट पर। तो भाई एयरपोर्ट जो है वो अपने घर के सामने ही है, क्योंकि ये न्यू घर जो आया है ना इसके सामने ही आप लोगों को एयरपोर्ट जाती है। पहले क्या होता था, पहले जो अपना घर था वो एयरपोर्ट से काफी दूर था, तो थोड़ा टाइम लगता था जाने में, लेकिन अब जो है इस घर के सामने आप लोगों को एयरपोर्ट देखने को मिल जाती है। देखो यहां से आप लोगों को एयरपोर्ट देख रहे हो, एयरप्लेन वगैरह खड़े हैं वहां पर, एंड जो ये आप लोगों को यहां से एयरप्लेन दिख रहा है ना, हम इसको ही चलाने वाले हैं। जी हां गाइस हम इसी एयरप्लेन को आज उड़ाने वाले हैं, क्योंकि भाई आप लोग भी बहुत टाइम से कमेंट करो भाई हमें बताइए हम इसको कैसे उड़ा सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पर हमें जो है टोटल दो एयरप्लेन देखने को मिलते हैं, एक ये वाला बड़ा वाला और एक देखने को मिलता है वो जो सबसे छोटा है, ये जो है ये येलो कलर में एक ये देखने को मिलता है। अभी देखो इसका सीन क्या है गाइस, अभी देखो मैं आप लोगों को इसको चलाकर दिखाता हूं। ये जो अपना एरोप्लेन है ना आप लोग इसको चला सकते हो, सॉरी मैं चलाना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम इसको चलाते भी स्टार्टिंग में आराम से फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बट आप लोग इतने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं हम जो है गाइस इस एरोप्लेन से जो है बोर हो चुके हैं। जी हां गाइस हम बोर हो चुके हैं इस एरोप्लेन से, और आप लोग कमेंट करो भाई हमें बताइए हम बड़े वाले एरोप्लेन को कैसे चला सकते हैं। तो देखो गाइस यहां से मुझे वो बड़ा वाला एरोप्लेन दिख रहा है, तो अब क्या काम करते हैं, अब वहां पर चलते हैं एंड उसको चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई जब से न्यू अपडेट आया मैंने भी चेक नहीं किया, क्या पता इसमें कंट्रोल्स ऐड हो गए हो, एंड अगर इसमें कंट्रोल्स नहीं ऐड हुए तो कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप लोग ये वीडियो पूरी एंड तक वॉच कर लेते हो। तो देखो गाइस चलते हैं हम अपने इस बड़े वाले एरोप्लेन के पास। ओके तो गाइस पहुंच चुका हूं मैं अपने इस बड़े वाले एरोप्लेन के पास, एंड भाई चलो अब ट्राई करते हैं हम इसको कैसे फ्लाई कर सकते हैं। तो देखो गाइस ये अपना एरोप्लेन है, एंड भाई सच में बहुत ही तगड़ा एरोप्लेन है भाई, देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है ये, सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरोप्लेन है, एंड ये लग रहा है हाँ रियल। अभी देखो यहाँ पर जो अपने ये एरोप्लेन आता है ना जिसका चीट कोड अपना 555 है, ये नॉर्मल सा ही लगता है, मतलब मज़ा नहीं आता इसमें, क्योंकि एरोप्लेन ऐसे कहाँ होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं जैसा ये है। तो देखो गाइस इसके पास में आ चुका हूँ, यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर चीट कोड डायल करना है गाइस 1215, एंड जो अपना करेक्टर है वो इस पे बैठ जाएगा। जी हाँ गाइस अभी देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, डबल टैप करता हूँ यहाँ पर, देखना क्या होगा, ये मैंने डबल टैप किया, एंड भाई देखो जो अपना करेक्टर है वो चढ़ चुका है इस एरोप्लेन के ऊपर। एंड अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा आप लोग जो है इसके अंदर कैसे बैठ सकते हो। वैसे अभी आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ से कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है, एंड भाई जो अपना न्यू अपडेट आया है ये एरोप्लेन उल्टा तो नहीं कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले जो एरोप्लेन था जो इसका मुँह था मतलब जो आगे का वो था इंटीरियर वो इसका इधर की साइड था। आप लोगों ने भी अगर नोटिस किया हो तो आपको मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, जो इसका इंटीरियर था वो पहले शायद इधर की साइड था, मतलब इसको उल्टा कर दिया है शायद इस गेम के डेवलपर ने, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है क्या। तो ये अपना करेक्टर गिरता बहुत है एक तो ये, और उठने में देखो कितना ज़्यादा टाइम लगाता है, तो भाई ये कुछ करना चाहिए इस गेम के डेवलपर को इसके ऊपर। बाकी देखो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और इसके डोर के पास में आया, एंड भाई देखो मुझे जो है गाइस यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल चुका है इसमें बैठने का, लेकिन अभी मैं आप लोगों को तभी बैठ दिखाऊंगा इसके अंदर जब आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दोगे, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो उससे पहले मैं आप लोग यहां पर कुछ ट्रिक्स बता देता हूं, एंड फिर मैं आप लोग बता दूंगा आप लोग जो इसको कैसे फ्लाई कर सकते हो। गाइस ट्रिक नंबर वन, आप लोग क्या करना है यहाँ पर कोई भी बाइक को स्पॉन करा लेना है। यहाँ पर देखो मैंने बाइक स्पॉन करा दी H2R। अब आप लोग क्या करना है यहाँ पर चीट एक्टिवेटेड करना है 7112। ये देखो यहाँ पर मैंने चीट एक्टिवेटेड कर दिया मून ग्रेविटी का। अब क्या करना है गाइस मुझे इस बाइक को चलाना है। जी हाँ गाइस मुझे इस बाइक को चलाना है, लेकिन कैसे, आगे की तरफ नहीं मुझे पीछे की तरफ चलाना है इस बाइक को। ठीक है गाइस आप लोगों को पीछे की तरफ चलाना है अगर आप लोग भी ट्रिक कर रहे हो तो। पीछे की तरफ चलाने के बाद अब आप लोग क्या करना है, जैसे थोड़ी स्पीड में आ जाती है तो आप लोग क्या करना है गाइस तुरंत इस बाइक से उतर जाना है।
रहा है चलती हुई पे से। ठीक है गाइस, अभी देखो मैं यहाँ पर उतरता हूँ, ये मैं उतरा। एंड भाई देखो जो अपना करेक्टर है वो क्या हुआ, यहाँ पर जो करेक्टर है वो मर चुका है। तो यहाँ पर देखो जो गेम अपना वास्टेड हो चुका है भाई, ये क्या हुआ ये मैं भी नहीं समझ पाया अभी तक, क्योंकि भाई देखो मैं सिर्फ उतरा था ना, तो अपना करेक्टर नीचे गिरा ना कुछ, सीधा मर गया। तो भाई ये ट्रिक थी अपनी। ट्रिक नंबर टू, इसमें देख सकते हो आप लोग जो अपना हेलीकॉप्टर है अपने आप ही चल रहा है, ना तो मेरे पास उसके कंट्रोल्स है ना कुछ है। एंड देखो उसके ऊपर मैं अभी यहाँ पर आरपीजी चलाता हूँ, तो देखो क्या होगा, ये देखो वो और ऊपर जा रहा है भाई आरपीजी चलाने पर। एंड देखो बिना कंट्रोल्स के चल रहा है भाई। तो इसको मैंने कैसे किया, यहाँ पर मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पर मैंने स्पॉन कराया एक हेलीकॉप्टर को, यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर मैंने स्पॉन करा दिया। अब मैंने क्या किया गाइस, भाई देखो यहाँ पर जब ये हेलीकॉप्टर है अपना ये फ्लाई करेगा गाइस जेट पैक को, ये देखो जेट पैक को यहाँ पर फ्लाई कर रहा है। एंड भाई देखो जो अपना दूसरा वाला हेलीकॉप्टर था वो अब नीचे की तरफ आ रहा है, मुझे इस हेलीकॉप्टर जो है उतरना होगा, मतलब कूदना होगा। जो अपना करेक्टर है गाइस देखो इस हेलीकॉप्टर जो है कूद चुका है, तो गाइस जो अपना करेक्टर है वो नीचे गिर चुका है, लेकिन जो अपना हेलीकॉप्टर वो अभी तक चल रहा है। कैसे, सबसे पहले तो आप लोग वहां पर जेट पैक को देखो, देखो गाइस जो अपना जेट पैक है वो भी यहां पर चल रहा है भाई, जेट पैक अपने आप उड़ रहा है। देखो देखा आप लोगों ने क्या खतरनाक है, यहां पर मैजिको जो अपना जेट पैक था वो भी यहां पर फ्लाई हो रहा था अपने आप, एंड अपना हेलीकॉप्टर भी। ट्रिक नंबर थ्री, इसमें क्या करना है गाइस आप लोगों को, हेलीकॉप्टर स्पॉन करा देना है। ये देखो यहां पर मैंने स्पॉन करा दिया, और एक बाइक को स्पॉन कराना है जो कि मैं यहां पर स्प्लेंडर स्पॉन करा देता हूं। अब क्या करना है गाइस, यहां पर मुझे कोई कार को स्पॉन कराना है, तो यहां पर मैं स्पॉन करा देता हूं जो लेटेस्ट अपडेट में आई है अपनी बुलेरो को, बुलेरो मैंने यहां पर स्पॉन करा दिया। अब गाइस मुझे यहां पर एक बाइक को भी स्पॉन कराना होगा साथ में, तो यहां पर मैं स्पॉन करा देता हूं हायाबुसा बाइक को, ये देखो मैंने हायाबुसा स्पॉन करा दिया। अब क्या करना है गाइस, अब मुझे उस हेलीकॉप्टर के पास जाना होगा, तो हेलीकॉप्टर के पास आने के बाद अब इन दोनों पर एक साथ बैठने का ऑप्शन आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस बाइक को जो है गाइस चलाना है पीछे की तरफ, कर देना है चला के। देखो जो अपनी बाइक ऐसे पीछे की तरफ आ चुकी है, अब क्या करना है गाइस मुझे, अब देखो यहां पर इसको करने से पहले अपना कैरेक्टर जो है वॉइड में चला गया, तो भाई ये जो ट्रिक है यहाँ पर नहीं हो पा रही है, वरना यहाँ पर क्या होता गाइस, जो अपना करेक्टर है वो रिमोट कंट्रोल बना देता अपनी बुलेरो कार को, तो भाई यहाँ पर जो ये ट्रिक है ये हो जाती। बट यहाँ पर जो है ग्लिचेज इतने सारे आ चुके हैं अपने गेम में जब से न्यू अपडेट आया है, तो भाई जो अपना करेक्टर है वो वॉइड में चला गया, तो इसलिए जो ट्रिक है नहीं वर्क कर पा रही है। लेकिन छोड़ो इसको, अब क्या करते हैं, अब हम जो है गाइस अब फ्लाई करते हैं अपने बड़े वाले एरोप्लेन को, तो जल्दी से दोबारा से चलते हैं एयरपोर्ट पर। ओके तो गाइज आ चुका मैं फिर से एयरपोर्ट पर, एंड देखो ये अपना बड़ा वाला एरोप्लेन। अब क्या करना है गाइज मुझे इसके पास जाना है, क्योंकि भाई वहाँ पर चेक करना है हम इसको चला सकते हैं या नहीं। तो भाई देखो जब से अपडेट आया मैंने तो चेक नहीं किया बिल्कुल, तो भाई देखो यहाँ पर आ चुका मैं इसके पास। एंड भाई देखो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है इसके ऊपर बैठने का, जी हाँ गाइस इसके ऊपर बैठने का जो है कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब गाइस अभी भी इसके कंट्रोल्स जो है ऐड नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ आप लोग जो है इसके कंट्रोल्स को ऐड करवा सकते हो, उसके लिए आप लोग क्या करना है, आप लोगों गाइस इस वीडियो में कॉमेंट कर देना है, जी हाँ गाइस आप लोगों को बिग एरोप्लेन का जो है कॉमेंट कर देना है, आप लोगों के लिए इसके कंट्रोल्स जो है ऐड हो जाएंगे। लेकिन गाइस जो अपना न्यू अपडेट आया है उसमें आप लोगों को फ्लाई करने के लिए टोटल दो चीज़ मिली है, दो चीज़ मतलब क्या, देखो एक तो आप लोगों को देखने को मिला है ये जेट पैक बिग जेट पैक, एंड एक देखने को मिला है आप लोगों को मिनी जेट पैक। तो आप लोग जो है गाइस इन दोनों को आराम से फ्लाई कर सकते हो। लेकिन अब आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे, तो भाई ये एयरपोर्ट पर हमें देखने को क्यों मिलता है ये बिग एरोप्लेन, तो भाई ये इसलिए देखने को मिलता है आप लोगों को एयरपोर्ट पर, ताकि ये लगे कि ये एयरपोर्ट है। अगर देखो ये जो एरोप्लेन है ये इस ग्राउंड में खड़े नहीं होंगे, तो भाई ये लगेगा ही नहीं कि ये एयरपोर्ट है, ये लगेगा ऐसे नॉर्मल सा ग्राउंड पड़ा है खेलने के लिए, क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए ग्राउंड पड़ा है ये लगेगा, तो ये नहीं लगेगा कि ये एयरपोर्ट है। तो इस वजह से जो है इस गेम के रोल पर नहीं, इन एरोप्लेन को जो है खड़ा कर रखा है इस एयरपोर्ट पर। तो ये सीन है गाइज, अगर इनको इस गेम के रोल पर नहीं खड़ा करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे, तो भाई ये लगेगा ही नहीं कि ये एयरपोर्ट है, तो ये सीन है। तो गाइज आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे, समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर गाइज आप लोग जो है इसके कंट्रोल्स को ऐड करना चाहते हो तो कमेंट भी कर देना। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना मतलब आप लोग जो है पूरे एक महीने से इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे, भाई हम बताइए कि हम इसको कैसे फ्लाई कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आप लोग को बता दिया है, आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।